गाइस प्रॉब्लम नंबर 26 को देखो, और ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई ने कितनी बार पूछा है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। आपसे कह रहा है विच डायरेक्शन वुड अ कंपास निडल पॉइंट टू इफ लोकेट राइट ऑन द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल। अब देखो आप जियोमैग्नेट मतलब आप ऐसा मान लो कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स पर हो आप, एक बार नॉर्थ पर हो और एक बार साउथ पर हो, तो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक निडल का क्या होगा, किधर को पॉइंट करेगी, क्या उसकी डायरेक्शन होगी। अब देखो जो मैग्नेटिक निडल है वो पॉइंट तभी करती है जब अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसे पॉइंट करवाता है। अब नॉर्थ पोल की अगर बात करोगे या साउथ पोल की बात करोगे तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अर्थ का वो या तो निकल रहा होता या फिर अंदर जा रहा होता, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होते नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता तो मैग्नेटिक निडल जो है, अब ये मैग्नेटिक कंपास है तो मैग्नेटिक निडल जो होती है मैग्नेटिक कंपास में वो फ्री है, किधर को भी वो पॉइंट कर सकती है रैंडम डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको निकाल के बाहर खड़ा करोगे और इसको अब रखने की कोशिश करोगे तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ या साउथ पोल है तो वहाँ पर ये मैग्नेटिक निडल बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, ऐसा खड़ी हो जाएगी क्योंकि एंगल ऑफ डिफ 90 डिग्री बनाएगी, समझ गए। तो इसका आपको आंसर मिल गया होगा, एट द जियो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अंदर मिलेगा ये। आपसे कह रहा है हेंस अ कंपास, बात कंपास की चल रही है, कंपास निडल विच इज़ फ्री टू रोटेट इन एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन विल स्टे इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो रुक सकती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का है ही नहीं। अगर इसको निकाल के बाहर एक्सपेरिमेंट करोगे तो फिर उस केस में ये खड़ी हो जाएगी। थैंक यू।